और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप चौधरी भी जुड़ गए हैं। इनके साथ हम बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले संदीप, हम पूरे एग्जिट पोल के जो आगे के दिलचस्प राज्य हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जहां सबकी नजरें टिकी हुई है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अब तक का जो आंकड़ा सामने आया उसको एक अलग अंदाज में दिखाते हैं, आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज लगातार एबीपी न्यूज पर ये देश का एग्जिट पोल, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं उसको आप तक दिलचस्प अंदाज में पहुंचाने के लिए खास तैयारियां हमने की। और अब देख लीजिए आप, ये एयर टैक्सी एबीपी न्यूज की जो हमने खास तैयार की है, वो बड़ा आंकड़ा आपको दिखाने के लिए, अभी तक की जो बिग पिक्चर सामने आई है उसको दिखाने के लिए तैयारी भी हमारी बड़ी है। और लीजिए, एयर टैक्सी का दरवाजा खुल चुका है और अब मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ। और अब 416 सीटों का जो आंकड़ा सामने आया है अभी तक एग्जिट पोल के आंकड़ों में, वो क्या कह रहा है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले जान लीजिए 127 सीटें जिसको लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और इसमें खास तौर से हिंदी हार्टलैंड वाले वो दो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा क्या होगा, बिहार का आंकड़ा क्या होगा, और साथ ही देश का दिल राजधानी दिल्ली, जहां इंडिया गठबंधन ने बड़ा प्रयोग किया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए हैं, तो वो क्या रहने वाली है बड़ी तस्वीर, इसका इंतजार जितनी बेसब्री से आप कर रहे हैं उतनी बेसब्री से यकीन मानिए हम भी कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिटिकल टीम है वो लगी हुई है, जैसे जैसे डेटा सामने आ रहा है उसको आपके लिए तैयार कर रही है। और अभी तक का ये देश का एग्जिट पोल का आंकड़ा 416 सीटों का ये सटीक अनुमान 4 जून के लिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी पिक्चर आपके सामने है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एनडीए गठबंधन 240 से 286 सीटें हासिल करता हुआ, बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुका है एनडीए। और वहीं इंडिया गठबंधन 122 से 164 सीटों पर ही सिमटता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वो बहुमत वाला आंकड़ा एनडीए ने महज 416 सीटों में ही हासिल कर लिया है। कहां जाकर रुकेगा ये रथ, क्या 400 पार होने वाला है? आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने स्टूडियो रोहित और संदीप के पास। तो बिल्कुल ये तस्वीर सामने है, संदीप क्या कहेंगे, जो अभी तक जो अनुमान है एग्जिट पोल का 240 से 286 सीटें एनडीए और 122 से 164 सीट इंडिया, यानी जो प्रोजेक्शन मिल रही है हमें एग्जिट पोल से वो ये है कि सरकार फिर मोदी सरकार तीसरी बार। बिल्कुल, जो आंकड़े हैं, जो आकलन हम कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर फिर से अंडरलाइन करने की जरूरत है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। अभी 416 में पर एक जो ट्रेंड हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, जनता के मन की थाह लेने की कोशिश करते हैं, उसमें एक बात साफ होती दिखाई दे रही है। और अंतर अगर हम देखें एनडीए और इंडिया में, वो अंतर 100 सीटों से भी ज्यादा का है। मैं ऊपर का आंकड़ा लूं 286 और 164, 125 सीटों का अंतर अभी से जो दिखाई दे रहा है, इसे पाट पाना बड़ा मुश्किल लगता है जब तक कि कुछ अप्रत्याशित ना हो जाए जिसे सोशियोलॉजिस्ट पोलस्टर्स भी ना पकड़ पाए हों। तो 416 में ऊपरी आंकड़ा बहुमत को पार करता दिखाई दे रहा है, तो तीसरी बार मोदी सरकार। संदीप, एक और सवाल, अभी तक आपने भी दर्शकों को कई राज्यों का एग्जिट पोल दिखाया, लेकिन जो सबसे दिलचस्प राज्य लगे, देखिए अगर मैं बताऊं, जो हरियाणा की बात की हमने, हरियाणा में जो एग्जिट पोल का अनुमान आया है वो चौंकाने वाला है, मतलब फंसा हुआ सा मामला दिख रहा है और कांग्रेस को एज दिख रहा है, वहां भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, ओडिशा है, महाराष्ट्र है, क्या कहना है संदीप? देखिए, हम 4 राज्यों पर बड़ा गौर कर रहे थे, 4 स्विंग स्टेट्स की बात थी, हम ज्यादा बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल की, बिहार की, महाराष्ट्र की और कर्नाटक की। इसमें सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस की मौजूदगी कर्नाटक में थी, पर जो आप हरियाणा की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात है या राजस्थान में भी 2-4 सीट ही सही, ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, कांग्रेस जो पिछली 2 बार से गत वो रही कि नेता प्रतिपक्ष अपना चुन नहीं पाई, एक बार 44 सीटें, एक बार 52 सीटें, तो वो कांग्रेस जहां डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी के साथ, पिछली बार 192 में से 178 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी, 91% का स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट, उसे कितना कम कर पाती है ये हमारा साफ मानना था, इस नतीजों में साफ दिखाई देने वाला है। पर वो कांग्रेस कुछ जगह पर जैसे हरियाणा सेंधमारी कर रही है या पुरानी जमीन लेती दिख तो रही है, लेकिन संदीप हरियाणा के एक जिक्र में और करूंगा हरियाणा का। देखिए
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रयोग किए, अभी लोकसभा चुनाव से पहले, चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का हो, जेजेपी से समर्थन छूट गया, इसके अलावा कांग्रेस में गुटबाजी हरियाणा में, और आज की नहीं है, वो कई दशकों से है, उसके बावजूद, और मोदी लहर की अगर बात करें, उसके बावजूद जो तस्वीर निकल कर सामने आई तो वो सचमुच चौंकाने वाली तस्वीर है। बिल्कुल, वहां पर संगठन सौंप देना एक नेता के हाथ में, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उन्हीं ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुनवा लिया। सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर आप देखेंगे, किरण चौधरी की बेटी को रिपीट नहीं किया गया, या बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह को बीजेपी से वो कांग्रेस में आ गए पर टिकट नहीं मिली, अंबाला से कुमारी शैलजा को सिरसा शिफ्ट कर देना, तो जहां पर रणनीति कुछ बनाती दिख रही है कांग्रेस, वहां रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि वो मिसिंग दिखाई दिया, वो मिसिंग है। और बढ़ते आगे, अब देखते हैं दिल्ली की तस्वीर क्या कुछ कह रही है। रोमाना के पास चलते हैं। जी रोमाना, दिल्ली का एग्जिट पोल, जिस बात का जिक्र अभी संदीप कर रहे थे कि साहब रणनीति जहां पर बनाती हुई दिख रही है कांग्रेस हरियाणा में, वहां पर कुछ रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन रणनीति की अगर बात की जाए तो देखिए, देश का दल है, राजधानी दिल्ली है, 7 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं, रणनीति तो यहां पर भी विपक्ष की तरफ से जमकर बनाई गई। बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया, लेकिन इसका नतीजा क्या होने वाला है, ये बस एग्जिट पोल का आंकड़ा आपके सामने आने ही वाला है। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का पावर सेंटर राजधानी दिल्ली, और यहीं पर ये नया संसद भवन है जहां हर नेता पहुंचना चाहता है, जो उसकी मंजिल है। ऐसे में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, क्लीन स्वीप बीजेपी करती रही है राजधानी दिल्ली में। इस बार क्या होने वाला है, पिछली बार का अगर वोट शेयर बात की जाए तो 56% बीजेपी ने वोट शेयर हासिल किया था, कांग्रेस 22%, आम आदमी पार्टी करीब 18% थी। तो इस बार का आंकड़ा क्या रहेगा, 7 आने के बाद क्या कोई कमाल दोनों दल कर पाएंगे, इसी को लेकर बड़ा सवाल है। और तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, सीधे आपको लेकर चलेंगे एबीपी न्यूज के डेटा यूनिवर्स में, जहां से लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बताते हुए कि एग्जैक्ट पोल मतलब 4 जून, लेकिन आज उसी का सटीक अनुमान यहां एग्जिट पोल के आंकड़ों में मैं आपको दिखा रही हूं राजधानी दिल्ली। और ये जो गठबंधन वाला फॉर्मूला है कि कितना फेल कितना पास, फिलहाल एनडीए के खाते में आप देख रहे हैं 51% वोट शेयर जाता हुआ बीजेपी के खाते में, मतलब और इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 46% वोट शेयर हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वोट शेयर के मामले में कवर अप करते हुए इंडिया गठबंधन बीजेपी के मुकाबले, और सीटों के लिहाज से अगर आप देखें तो 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 4 से 6 सीटें जा सकती हैं, और इंडिया गठबंधन मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में 1 से 3 सीट हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा जो सामने निकल कर आ रहा है, मतलब राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन बीजेपी की क्लीन स्वीप वाली हैट्रिक पर ब्रेक लगा सकता है, ये एग्जिट पोल की बिग पिक्चर राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों से। बिल्कुल, और जो बात मैं कह रहा था, जहां कांग्रेस, और यहां अब मैं कहूंगा जहां इंडिया गठबंधन एक रणनीति के तहत कदम ताल करता दिखाई दिया है, उसकी वानगी आप दिल्ली में भी देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब अलग अलग लड़ते हैं, दोनों का वोट शेयर 2019 का जोड़ ले तो भी 16% का अंतर था, लेकिन वो अंतर 4-5% पर समेट दिया यहाँ पर यशवंत, तो लड़ाई में आ गए। और बीजेपी ने दरअसल और जगह नहीं किया, पर दिल्ली में वो मीनाक्षी लेखी से लेकर परवेश वर्मा, गौतम गंभीर, रमेश बिधूड़ी, हंसराज हंस, जो सांसदों को रिपीट नहीं किया, टिकट काट दिए, वहां जान बचाते दिख रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से जो टिकट काट दिए उसी चक्कर में बच भी गई हैं, जितनी सीटें बच गई, अदरवाइज जो दिल्ली में स्थिति थी वो शायद और भी गंभीर हो सकती थी। दूसरी बात संदीप, इसमें एक बात समझ में आई, अरविंद केजरीवाल फैक्टर हमको भी बाद में काम करता, वो फैक्टर भी साथ में काम करता हुआ दिखा, लेकिन एक चीज ये भी समझ में आई संदीप, कि जब तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब लोग वोट डालते हैं तो वहां पे कांग्रेस को जहां पे टिकट मिले हैं दिल्ली में, वहां उन्हें लोग, दिल्ली की जनता ने ज्यादा समर्थन दिया ऐसा लग रहा है, बनिस्बत की जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट 2019 में भी हर जगह कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी। तो इसका मतलब एक बहुत साफ है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अभी भी स्थानीय इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की अपेक्षा कांग्रेस को लोग ज्यादा प्रेफर और पसंद कर सकते हैं, बशर्ते वो एग्रेसिवली ठीक से अपनी रणनीति बनाएं और ठीक से इलेक्शन लड़ें। जी अभी क्या कहना आपका, कि जो जिस तरह से संदीप भी बात कर रहे थे, मैं इसे कहूंगा जिसे टैक्टिकल गठबंधन किया, पंजाब में नहीं किया, यहां कर लिया,
तो ये उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर। देखो संदीप जो कह रहे हैं, यशवंत जो कह रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है दोनों पॉइंट। देखो पॉलिटिक्स है, अगर आपने गठबंधन बनाया विपक्ष ने तो आपको स्ट्रैटेजी भी बनानी है ना। आप एक फिटर्ड गठबंधन बना के तो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब ये जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उससे साबित हो रहा है कि कहीं पर आप रणनीति लाते हैं तो कांग्रेस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी पा रही है, ऐसा नहीं कि एकदम वाइप्ड ऑफ है। तो आपने जब गठबंधन बनाया और उसके पीछे हर सीट को लेकर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जिस तरह का होमवर्क बीजेपी करती है, तो वहां वहां पे आप सफर कर रहे हैं। और अगर आप नहीं करते ऐसा तो आप गेन कर सकते थे। तो बड़ा पॉइंट यहां पर ये है कि आप गेन कर सकते थे अगर आप इससे बेहतर रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारी करते। प्रदीप सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं ये जो सामने जो ट्रेंड्स आए? नहीं, मेरा मानना है कि दिल्ली का चुनाव अगर देखना है तो उसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल को रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की राजनीति का के लिए क्या संकेत है? ये लगातार तीसरा चुनाव है जब दिल्ली की जनता राष्ट्रीय राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ नहीं देख रही। वो ये जो अभी यशवंत ने बात बताई कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट है वहाँ कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब जो दो नेशनल पार्टीज हैं राष्ट्रीय राजनीति के लिए दिल्ली का मतदाता उन्हीं की तरफ देखता है। पर एक झोंक भी होता है, क्या अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत जो मिल गई और एक वो विक्टिम कार्ड खेला, और अरविंद केजरीवाल देखिए प्रचार के माध्यम में, ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है, कि अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है वो अरविंद केजरीवाल है, तो वो झोंक लगाने में कामयाब हुए। दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक आप जोड़ दें 2019 का, तब भी 16% का अंतर था, वो महज 4 पर आ गया। नहीं, मुझे लगता है इसका ये गठबंधन का में का की जो वोट बढ़े हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कांग्रेस पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत मिली उसका जेल जाने की सिंपैथी नहीं मिली। अगर सिंपैथी मिली होती तो कांग्रेस के जहां वोट बढ़े हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वहां भी बढ़ते। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन में जो झुक कर गठबंधन किया उसका नुकसान गठबंधन जो ये 3 सीटें आप बता रहे हैं, 1 से 3 आ सकती है इंडिया गठबंधन की, उसमें आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें हैं या कांग्रेस की कितनी है? मैं यही कहना चाह रहा था कि जो 1 से 3 वाली गठबंधन है, दरअसल जो 2 उसमें बीच का फिगर है, अगर आप वैसे देखें दोनों ही, वो दरअसल कांग्रेस के हिस्से की सीटें हैं। यही मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि जो बाहरी दिल्ली या दक्षिण दिल्ली और इधर वाला इलाका है उसमें बीजेपी का वोट शेयर का मार्जिन बहुत ज्यादा है। जी जी विनोद जी, जिस तरह से सबने अभी बात कही, अरविंद केजरीवाल आरोप लगते हैं, शराब घोटाला, कई नेता अंदर हो गए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, और फिर एक गठबंधन हुआ, बीजेपी ने सारे टिकट चेंज कर दिए, तो आखिरकार 2 बातें यहां पर अभी जो पूरी चर्चा में निकल कर आई कि जो अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो मतदाता कांग्रेस की तरफ देख रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं देख रहा है, या ये गठबंधन करके ये स्थिति में पहुंचे, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो गठबंधन तो 2024 में हुआ है, लेकिन 2019 के भी अगर आंकड़े देखें उसमें भी कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा था आम आदमी पार्टी से। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजनीति की जब बात होगी तो राष्ट्रीय दल को लोग प्रेफर करेंगे। ये दिल्ली का सच है, दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन शहर है, दिल्ली उस तरह से एक क्षेत्रीय इलाकाई भावना वाला शहर नहीं है, यहाँ हर प्रदेश के हर प्रांत के लोग रहते हैं। मतलब हम बहुत दिनों से जो चर्चा कर रहे थे कि अरे चुनाव स्थानीय हो रहा है, लोकल हो रहा है, लोकल, ये राष्ट्रीय चुनाव ही था। राष्ट्रीय चुनाव तो था, दिल्ली में ज्यादा राष्ट्रीय चुनाव हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल नेशनल डेमोग्राफी है, यहाँ दक्षिण भारत के भी लोग हैं, उत्तर भारत के भी हैं, पश्चिम पूर्वी सब है, तो वो जो एक दिल्ली पना जो था, जो पहले हुआ करता था, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जब मदन लाल खुराना और एच के एल भगत का जमाना था, पंजाबी दिल्ली या पंजाबी दिल्ली या वैश्यों की दिल्ली जो दरियागंज वाली दिल्ली थी, अब वो दिल्ली बदल गई है, दिल्ली अब राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बन गया है। तो देखिए विधानसभा चुनाव हुए 2020 में तो कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली, और 19 में लोकसभा में ज्यादा वोट मिला, तो इसका मतलब राष्ट्रीय राजनीति में या तो बीजेपी या कांग्रेस, जी बिल्कुल, प्रेफरेंस दिल्ली के लोगों का है। जी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो किस तरह की तस्वीर निकलकर उससे सामने आ रही है, अभी तक की तस्वीर आपके सामने, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार बाकी है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की दिलचस्पी बिहार में। सीधे रोमाना के पास चलते हैं। जी रोमाना,
तो यूपी और बिहार की बात होना बाकी है। 120 सीटों का लेखा जोखा है जो अभी मैं आपके सामने रखूंगी और इसमें शुरुआत हम बिहार से करने वाले हैं। किसी समय में बिहार सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अगर आप लोगों से पूछें कि साहब राजनीति के पलटू राम वाला प्रदेश कौन सा है, तो फिर नाम बिहार का आता है। बिहार जहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं, मतलब 40 सदस्य चुनकर बिहार लोकसभा में भेजता है। और ऐसे में 2019 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए के खाते में इन 40 में से 39 सीटें गई थी। सिर्फ एक सीट थी जो इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी, कांग्रेस ने जिस सीट पर जीत दर्ज किया था। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है, आपको बिहार के एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं दिखाऊंगी। और इसकी शुरुआत वोटिंग परसेंटेज से हम करने जा रहे हैं। एनडीए के खाते में 52% वोट परसेंटेज जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 39% वोट परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 9% वोट परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 2019 में एनडीए के खाते में करीब 54% के आसपास वोटिंग परसेंटेज गया था। और ऐसे में सीटों में यह मामला किस रूप में तब्दील होगा, तो बड़ा आंकड़ा आपके सामने। बिहार से एनडीए के खाते में 34 से 38 सीट जा सकती है, इंडिया गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। मतलब मामूली सा नुकसान एनडीए को और मामूली सा फायदा इंडिया गठबंधन को बिहार में हो सकता है। ये जो अदल बदल वाला खेल बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने खेला है, क्या ये उसी का थोड़ा सा नुकसान जो एनडीए को उठाना पड़ रहा है, सवाल बड़ा है। रोहित संदीप, सीटें अगर हम बीच का आंकड़ा लें 34 और 38 का, तो 36 सीटें एनडीए के खाते में, यानी कि बीजेपी और जेडीयू और नीतीश कुमार जो इंडिया के रचयिता थे, वापस जो अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब हुई, उसके रिटर्न्स मिलते दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोग ये आकलन भी कर रहे थे कि कमजोर कड़ी कहीं नीतीश ना हो जाए, 16 में से वो 8-10 सीटें खुद ही ना हार बैठे, और इसका खामियाजा बीजेपी को तो कहीं नहीं भुगतना पड़ेगा। पर कहानी जस की तस लगभग दिखाई दे रही है। खास वजह क्या दिखी आप? खास वजह मुझे ये लगी कि जो बात हो रही थी कि एक्चुअली में राष्ट्रीय चुनाव में मोदी के समर्थक जो वोटर हैं वो एक ही दिल पे चाहे पत्थर रख के हम वोट देंगे, चाहे आपने वाहियात टिकट दिया है या आपने वाहियात अलायंस किया है या हम बहुत नाराज हैं, लेकिन हम फिर भी हम आपको जिताने के लिए वोट दे के आएंगे। इस चुनाव में दरअसल बीजेपी अगर ये नहीं सीखना चाहेगी कि खराब टिकट और खराब कैंडिडेट देने का गुस्सा फिर भी लोग वोट दे देते हैं, अगर तो ये सीख लिया तो बड़ा दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर वो सीख के इसमें निकाल पाए कि जो टर्नआउट गिरा है, मेरा मानना है टर्नआउट बहुत सारी जगहों पर गिरने का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो टिकट दिए गए हैं या जो अलायंसेस के पार्टनर्स थे उनके साथ में लोगों का जो मन बुझा हुआ था, उसके कारण बहुत सारी जगह पे लोग वोट देने नहीं गए। बावजूद इसके मोदी की पॉपुलैरिटी और केवल मोदी की पॉपुलैरिटी इन नतीजों के लिए अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो केवल उस कारण से। बिल्कुल, प्रेम शुक्ला साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, अभी यशवंत जी ने जिस तरह से बात की कि ये सिर्फ वोट जो है ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं, तो जिस तरह के प्रयोग भी बिहार में हुए तो उन प्रयोगों की बात करें और वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो इस बार महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन का वोट फीसद बढ़ा है और एनडीए का कम हुआ है पिछली बार से अगर हम तुलना करते हैं। देखिए, तो अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल में तो आपको सही आंकड़े आएंगे। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर होती। मुझे याद आ रहा है कि पिछले 2019 के चुनाव में हमारे मित्र यशवंत देशमुख जी का जो सी ओटोस है, इसने एनडीए को 287 सीटें प्रेडिक्ट की थी जी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 353 सीटें आई। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यशवंत देशमुख जी जो हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के बड़े शुभचिंतक हैं, तो वो हमेशा जो है कसौटी पर कड़ा कसते हैं, और वो जिस तरह कसौटी पर कड़ा कसते हैं कालांतर में जब परिणाम आता है तो वो परिणाम हमारे लिए बहुत बेहतर आता है। तो यशवंत देशमुख जी की कड़ी कसौटी पर अगर भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जैक्ट पोल में जो है हमारा प्रतिशत मत का भी बढ़ेगा और सीटों की संख्या में भी इजाफा रहेगा। तो मतलब जो हल्का फुल्का नुकसान है उसकी भी भरपाई दरअसल 4 जून को करने की ताल ठोक रहे हैं प्रेम शुक्ला। रागिनी नायक, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी, दिल्ली का भी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। दिल्ली में वो 36 का आंकड़ा था आम आदमी पार्टी कांग्रेस में, फिर भी कदम ताल की, पर 1 से 3 का ही आंकड़ा 7 में से, यानी कि 2 सीटें मान लीजिए। और बिहार में तो
खेला हुआ नहीं? ये एग्जिट पोल में ही तो नहीं हुआ ना संदीप जी, देखिए आप और हम एक दशक से ज्यादा लंबे समय से एग्जिट पोल भी देख रहे हैं, प्रदेश के हों देश के हों, ओपिनियन पोल भी देख रहे हैं, सब पे बहस करते रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट के बीच में बहुत सी बार, हमेशा नहीं कह रही हूँ पर बहुत सी बार, उतना फर्क हो जाता है जितना हाथी के खाने और दिखाने के दांत में हो जाता है। और इन्होंने कहा प्रेम शुक्ला जी ने कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन करती है नतीजों में, आप गलत हैं भाई साहब। मैं 2004 की बात करना चाहूंगी संदीप जी, बिल्कुल उसी तर्ज पे चुनाव हो रहा था, इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर, यहाँ अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास। तो जब जनता त्राहिमाम कर रही होती है ना और आप नमक रगड़ते रहते हैं बड़े बड़े डायलॉग मार के, तो उलटबाजी होती है और इस चुनाव में वही उलटबाजी हुई है। वोटर खामोश रहा है, इसीलिए वो आपके यानी कि पोलस्टर्स के और सिफोलॉजिस्ट के परिणामों में नतीजा निकल कर नहीं आया, पर जो जनता की नब्ज टटोलने पर हमें पता चला है। देखिए सिफोलॉजिस्ट का अलग तरीका है, नेताओं का अलग तरीका होता है, नरेंद्र मोदी जी का भी तरीका हमने एक चरण से आखिरी चरण तक देख लिया कि कैसे बौखलाहट का मीटर बढ़ता रहा और गरिमा का मीटर घटता रहा। ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जो कांग्रेस का थर्मोमीटर है रागिनी। अच्छा सीधा ही बता, आप दिल्ली में कितनी जीत रही हैं अपने थर्मोमीटर के हिसाब से? 5 कम से कम 5। और बिहार में? बिहार में 39 सीटें इनके गठबंधन के पास थी और जो हालत नीतीश बाबू की इन्होंने कर दी ना, वो ऐसे एक कमल का फूल लेकर साइड में खड़े होकर ऐसे एक रोड शो में घूम रहे थे। हाँ। जितनी दयनीय स्थिति उनकी है उतनी ही दयनीय स्थिति उस गठबंधन की भी होने वाली है। 39 में से 9 भी गठबंधन बचा ले तो बहुत बड़ी बात जी। यशवंत जी बड़ा छोटा सा सवाल, अभिषेक झा के पास जाऊंगा फिर हमें ब्रेक के लिए भी जाना है, ये कि जो बिहार की स्थिति है जो 3 से 5 सीटें जाते हुए दिख रही है इंडिया अलायंस की तरफ, तो वो जो नुकसान है अगर वो 3 से 5 की तरफ आंकड़ा बढ़ता है तो वो जेडीयू को है, बीजेपी को है? जेडीयू को नुकसान। ये बात हमारे ट्रैकर्स में भी बहुत लगातार, अभिषेक झा साहब नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा। बताइए जो अभी एग्जिट पोल बता रहा है कि नुकसान जेडीयू को, इस गठबंधन में भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं, यानी गठबंधन भी आपने किया नुकसान भी आप ही झेल रहे हैं, किसे किस तरह से देखेंगे? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अभी आपने एग्जिट पोल्स के नतीजे बिहार में दिखाए हैं और पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने कुछ सीटें हमें कम दिखाई है, लेकिन हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि 40 में 40 सीटें हमारे खाते में, और नीतीश जी के एनडीए में आने से एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट हुआ है, मजबूत हुआ है। पिछली बार का जो हमारा परफॉर्मेंस रहा उससे हम बेहतर करेंगे, 400 पार के नारे में 10% कॉन्ट्रीब्यूशन भी हासिल। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी की बहन बता रही थी, मैं बस कंप्लीट कर दूं, दयनीय स्थिति बता रही भाई, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिहार में कितनी दयनीय है किसी से छिपी हुई नहीं, न 3 में है न 13 में है। राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू है, सीटों के लिए याचना करनी पड़ती है, एमएलसी बनाने के लिए याचना करनी पड़ती है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी को, अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि जब पूरे नतीजे सामने आएंगे तो आप कह रहे हैं कि नतीजे कुछ और होंगे, बहरहाल नतीजों का हम इंतजार करें। बार बार ये बात कर रहे हैं, संदीप भी बात कर रहे थे कि एग्जिट पोल है, हम अनुमान बता रहे हैं। और अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के, सीधे डेटा सेंटर आपको लेके चलते हैं रोमाना के पास। रोमाना, उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, क्या इशारा दे रहा है? और अब बारी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की, 80 लोकसभा सीटें। और आप जानते हैं कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता जी, इस संसद भवन का रास्ता और सत्ता का रास्ता जिस प्रदेश से होकर जाता है उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश ही चुनकर भेजता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है, वो एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से। पिछली बार अगर बात की जाए तो अपने दम पर 62 सहयोगियों के दम पर 2 और 64 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 10 सीटें बीएसपी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। इस बार 2019 के मुकाबले 2024 में एक तरफ जहां मोदी योगी की जोड़ी है डबल इंजन है, और वहीं दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी जिसमें अखिलेश और राहुल हैं, और वहीं तीसरे कोण पर मायावती, तो क्या रहने वाला है वोट प्रतिशत का अनुमान आपके सामने।
एनडीए 44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 37% वोट शेयर हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी 14% वोट शेयर हासिल कर रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बड़ी है और सीटों के लिहाज से अगर इसको तब्दील किया जाए तो एनडीए 62 से 66 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 15 से 17 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो कमोबेश जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2019 या 2014 किस तरीके की तस्वीर उभरेगी, तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 24 में वही 19 वाली तस्वीर उभर सकती है जहां बीजेपी के खाते में 62 से 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 15 से 17। और ऐसे में अब पूरी की पूरी बड़ी पिक्चर फाइनल तस्वीर आपके सामने। 543 लोकसभा सीटें और वोट परसेंटेज के मामले में एनडीए 45%, इंडिया गठबंधन 40%, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ। बड़ी छलांग एनडीए ने अपने वोटिंग परसेंटेज में लगाई है, बढ़ोतरी इंडिया ने भी की है, लेकिन सीटों के लिहाज से अगर इसको तब्दील किया जाए तो लीजिए एनडीए 353 से 383 सीटें हासिल कर सकता है। इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटें हासिल कर सकता है। अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर तो साफ हो रही है कि देश की राजनीति जो है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच ही घूमती हुई नजर आ रही है और एनडीए वो 400 पार वाला जो आंकड़ा था उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ इस एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहा है। रोहित संदीप, अरे ये बड़ी खबर, यानी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है एनडीए इस एग्जिट पोल के मुताबिक। एग्जिट पोल का ये अनुमान है, एनडीए को 353 से 383 सीट मिलने का अनुमान। संदीप, बिल्कुल 353 से 383, मतलब 368 बीच का आंकड़ा लगाया जाए तो बीजेपी अपने दम पर 370 लाने की जो बात कर रही थी उसको एनडीए लगभग छूता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको पार भी कर रहा है। अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं ये अपने आप में अप्रत्याशित होगा, थोड़ा हमें इसे परिपेक्ष में डालने की जरूरत है। 2014 में जब 282 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, 30 साल बाद अपने दम पर कोई बहुमत लेकर आया था और ये लगातार तीसरी बार अगर ऐसा बीजेपी और एनडीए कर रहा है तो ये अप्रत्याशित है अगर ये असल नतीजों में तब्दील होता है। जी बिल्कुल अप्रत्याशित। मैं जल्दी से तमाम मेहमान एक छोटा छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर हम उत्तर प्रदेश की बात भी करेंगे विस्तार से। प्रदीप जी, फाइनल नंबर सामने है और यह अप्रत्याशित ऐतिहासिक है जो अनुमान हमारे एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा या डबल इंजन की बात भी होती है कई प्रदेशों में, किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं, मेरे आंकलन के हिसाब से ये अप्रत्याशित नहीं है जी। जो शुरू से चुनाव दिखाई दे रहा था वो इसी दिशा में दिखाई दे रहा था कि जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव का मैं शुरू से कह रहा हूँ सेंट्रल मुद्दा मोदी ही थे, इसीलिए कोई ओवरराइडिंग जो है वो इशू बन नहीं पाया। मोदी की इमेज, मोदी की छवि बनाम बाकी, ये मुद्दा था। नहीं नहीं, और प्रदीप जी बात यहाँ पर ये नहीं, 272 भी पार ले एनडीए उनकी सरकार बनती। अप्रत्याशित शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि डबल एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल कोई अपराध कर रहे हैं और 368 का वो आंकड़ा पार करना, 353 से भी आगे बढ़ जाना अगर ये नतीजे आते हैं, वो आपकी वो कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, मैंने इस पर हम लोगों ने बड़ी चर्चा की है। मैंने एक दिन आपसे एक बात कही थी कि कोई हमको ये बताए कि 2019 से 2024 के बीच में मोदी ने ऐसा क्या गलत काम किया कि जिन्होंने 2019 में वोट दिया था वो 2024 में नहीं। और मैंने आपसे पलट कर उस वक्त भी सवाल किया था और आज और मौजू हो जाता है कि 2019 का चुनाव एक राष्ट्रवाद बालाकोट की आंधी में घर में घुसकर मारते हैं और लाभार्थी, ये चीजें चली थी। इस बार चुनाव में हर चरण में मुद्दे बदले, लेकिन आप देखिए बीजेपी डिफेंसिव पर भी दिखी। 24 के बीच में बीजेपी ने अपने जो कोर इशू थे मोदी ने उन सबको लागू किया, चाहे आर्टिकल 370 की बात हो जम्मू कश्मीर में, चाहे राम मंदिर की बात हो, या फिर जो है प्रदीप जी, मैं रोकूंगा आपकी और संदीप जी की चर्चा, मुझे लगता है बहुत बहुत लंबी ना चल पड़े और ये हमारे इस जो टाइम फ्रेम है इसमें ये कम पड़ जाएगा। अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिख रही है अगर ये प्रोजेक्शन नतीजों में तब्दील होती है तो। जो तमाम विपक्ष बातें करता रहा, आरक्षण की बात हुई,
संविधान बदल देंगे, तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह के वार पलटवार, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अगर अगर यह आंकड़ा सामने आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा, 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर फिर से कोई तीसरी बार 353 से 383 सीटों की प्रोजेक्शन लेकर आता है तो अप्रत्याशित है। दो तीन लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। प्रदीप जी के इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सेंट्रल फिगर नरेंद्र मोदी थे। और दूसरी चीज बड़ी स्पष्ट हो गई, चूंकि तीसरी बार ये हो रहा है, प्रत्याशित शब्द संदीप ने इस्तेमाल किया, तो ये मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि उनके मुद्दों पर जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं वो विपक्ष से ज्यादा कन्विंसिंग है। ये एकदम स्टैब्लिश्ड है कि जब वो एक कोई बात भरोसे की बात है, जैसे भरोसा किस पर, जैसे मोदी की गारंटी। अब उन्होंने इस बार एक स्लोगन लिया, और चूंकि इंडिविजुअल इलेक्शन था तो मोदी की गारंटी, तो अगर ये आंकड़े फाइनली 4 जून को होते तो दैट मींस पीपल ऑफ दिस कंट्री, मतलब लोग यहाँ के कन्विंस्ड है कि अगर मोदी कहते हैं कि मेरी गारंटी है तो कुछ होगा। राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राजकुमार भाटी, आप अच्छी ताल ठोक रहे थे, कदम ताल भी करते दिखाई दिए, वोट परसेंटेज भी आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। एनडीए और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जोड़ दें 37%, तो ये 7% का ही अंतर है, पर सीटों में आप 16 के एवरेज फिगर पर ही अटकते दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम अटकेंगे नहीं, हम अब बिताल ठोक रहे हैं। और जब जो एग्जिट पोल जिसे जिता रहा, जब उसे इस पर विश्वास नहीं है तो हम क्यों विश्वास करें। हाँ, अभी प्रेम शुक्ला जी ने साफ कह दिया कि जो रिजल्ट आएगा वो एग्जिट पोल से अलग होगा। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि उन्हें बहुत कम सीटें मिलेंगी इससे। अब एग्जिट पोल का जहाँ तक जो तरीका है संदीप जी, मैं हम ये देखते हैं कि जब चैनलों पर डिबेट होती है तो एक आपके शो को छोड़ दें, एक दो और शो छोड़ दें, लगभग सारे एंकर एक ही टॉपिक पर डेली डिबेट करते हैं। वो टॉपिक कहीं से तो आता होगा, कहीं से तो उन्हें बताया जाता होगा, वरना सबके दिमाग एक जैसे कैसे काम करते हैं कि आज हमें इसी टॉपिक पर डिबेट करनी है। यही हम एग्जिट पोल में देख रहे हैं, सबके आंकड़े मिले जुले वही आ रहे हैं जो बीजेपी चाह रही है, जो बीजेपी की ओर से आंकड़े दिए गए, जो उन्होंने तो आंकड़े देने से अगर मैं आपके इस कंस्पिरेसी थ्योरी को, इस तथाकथित षड्यंत्र को मान भी लूं, अरे भाई 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये खामखा की जश्न मनाने की क्या जरूरत है, और अपनी विश्वसनीयता कोई ताक पर क्यों रखेगा। नहीं, मैंने तो तर्क इसलिए दिया कि हमें क्यों विश्वास नहीं है इस एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल केवल एक टाइम पास करने का, मनोरंजन का तरीका है, ये कोई गंभीर विषय नहीं है। लेकिन भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब, मैं राजकुमार भाटी साहब को बड़ा गंभीर राजनेता मानता हूं, और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो गंभीर विषय पर चर्चा के लिए नहीं आएंगे। आप चर्चा करने आए, विषय गंभीर है इसलिए आप चर्चा करने आए, ये बात मैं दावे के साथ संदीप कह सकता हूँ। नहीं नहीं, वो आएंगे जी, अभी इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं। भाई बीजेपी वाले, अगर यही नतीजे इंडिया के फेवर में आते तो प्रेम शुक्ला ये भाषा नहीं बोलते, तो ये तो हम 4 तारीख तक इंतजार करेंगे, हर कोई अपने मीन में निकालेगा आंकड़े अपनी सुविधा के अनुसार से, उसका विश्लेषण होगा। यशवंत जी आपसे एक और सवाल, मेरा सवाल नहीं, इनकी धड़कने बढ़ी रहती है और आता ही धड़कने नहीं, फेवरेट फ्लिपिंग बॉय हो जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो केवल ये कहना है, क्योंकि एबीपी सी वोटर ये कोई 5 साल में एक बार एग्जिट पोल लेके आ रहा है ऐसा तो है नहीं। हम साल के 365 दिन हमारे सी वोटर में 250 के आसपास जो मेरे सहयोगी हैं, पिछले 2 महीने में 4 लाख से ज्यादा उन्होंने साक्षात्कार किए हैं इस देश में। 4 लाख साक्षात्कार, ये मजाक नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग 5 साल में एक बार एक एग्जिट पोल लेके आते होंगे उनके लिए मजाक होगा। हम 365 दिन ट्रैकिंग पोल करते हैं, हम लगातार हर हफ्ते एबीपी के ऊपर अपने ट्रैकिंग पोल रखते हैं। सच्चाई ये है कि आज भाटी जी को इस एग्जिट पोल में या तमाम एग्जिट पोल में कुछ भी नया इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग साल भर से यही आंकड़ों के ऊपर लगातार चर्चा करते रहे हैं कि आज हमारे आंकड़े ये आए, आज हमारे आए, तो हमें इसमें अप्रत्याशित नया कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं आपसे नई चीज पूछना चाहूंगा। देखिए भाटी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना चाहिए सब लोगों को। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो 15 से 17 का आंकड़ा आ रहा है इंडिया का, इसमें कांग्रेस की पोजीशनिंग क्या है, कांग्रेस की स्थिति में? नहीं, कांग्रेस की पोजीशनिंग इसमें 2 से 3 सीट की है, और मैं बहुत साफ बता दूं, उसमें अमेठी नहीं है।
इसके पहले की दो सुनते ही जो है लोगों के लोगों का उत्साह बढ़े उसमें बेटी नहीं रायबरेली जरूर है और दो सीटें उसमें और जो जो आपने बोली वो मतलब 16 में से तीन सीटें कांग्रेस की दरअसल 16 में दो कांग्रेस की और 14 सपा की 14 सपा की पर इसमें एक बड़ी खबर भी छिपी हुई है विनोद और वो ये कि बीएसपी 14% वोट बैंक ले रही है 37 और 14 जोड़ देंगे तो 51% होता है मतलब विपक्ष पूरी तरह से एकजुट होता तो वो तो एनडीए को पटकन नहीं दे रहा था वोट शेयर के मामले में बीएसपी क्या बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर आ जाए यहाँ अगर खाता नहीं खुलता विधानसभा में भी 0 बटा लड्डू तो लोकसभा में कुछ नहीं 14% वोट उसको मिल रहा है तो खत्म कहाँ हो रही है पर सीटों के लिहाज से विधानसभा में वो 13% पर थी और 13% के और फिर अगर 1% उसका बढ़ रहा है इन विपरीत परिस्थितियों में कि उसके बीच में उसको अपना युवा नेता को भी बैठाना पड़ा घर में तो फिर बीएसपी खत्म नहीं हो रही है किसका साथी साबित हो रहा है इन आंकड़ों में हाथी तो निश्चित रूप से बीजेपी की मदद कर रहा है ना मतलब कर नहीं रहा मतलब हो रही है मदद हो रही है लेकिन लेकिन मेरा विनोद जी इसमें एक मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको एक चीज और करूं ये हमको लगता है कि शायद ये आसान एनालिसिस हम लोग को लग जाती है कि हाथी ने कमल का साथ दिया ये आंशिक सत्य है कारण यह है पिछली बार 40 सीट पे बीएसपी लड़ी थी इस बार 80 पे लड़ी जिन सीटों पे पिछली बार बीएसपी नहीं लड़ी थी वहां पे क्लियर डेटा हम लोगों को कहे कि वहां पर बीएसपी का वोट बीजेपी को शिफ्ट हुआ सपा के कैंडिडेट को पिछली बार शिफ्ट नहीं हुआ था इस बार उन बची हुई 40 सीटों पे जब बीएसपी लड़ी है तो बीएसपी ने जो अपने वोट वापस खींचे हैं उस चक्कर में बीजेपी के वोटों में 50-44% की गिरावट बिल्कुल ये गिरावट को ये गिरावट जो है 50% के ऊपर के चक्कर में ये बड़ी दिलचस्प बात बता रहे हैं एक मिनट ये बिल्कुल यशवंती बात से मैं सहमत हूँ कि बीजेपी बीएसपी ने अपना वोट खींचा है इसीलिए वो खींचा है भाई तभी तो 13-14% पे पहुंची है और सीटें भी ज्यादा लड़ी है जब ज्यादा सीट आप लड़ेंगे तो परसेंटेज भी आपका वोट का पड़ेगा पिछली बार 40 सीट पर उसका 19% था और इस बार जो है 80 सीट पर उसका 14% है तो उस हिसाब से तो वोट में गिरावट है उसकी लेकिन इसके बावजूद बीएसपी एक स्पॉइलर की भूमिका में रही है कहीं उसने बीजेपी को स्पॉइल किया जो विनोद जी ने बात की बीजेपी की मदद की बीएसपी ने सब सीटों पर क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है कहीं पर सपा को भी नुकसान पहुंचाया कहीं पर बीजेपी यही मैं कहना चाह रहा था कि जिन जगहों पे देखिए बहुत सीधी बात बताएं जब फाइनल नतीजे आएंगे और आप एक एक सीट को उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारी जगहों पे जहां बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार दिए वहां पे उसके खाए हुए वोटों से सपा को नुकसान होगा बिल्कुल और बहुत सारी जगहों पे बीएसपी के अपने कैंडिडेट से जो दलित वोट वापस खिसक के गए उसका नुकसान भाजपा को भी दिखाई देगा जी, एक और दिलचस्प बात मैं उत्तर प्रदेश के बारे में करूंगा जो अभी तस्वीर सामने आई है देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी अगर प्रदेश की बात करें डबल इंजन की बात भारतीय जनता पार्टी करती है 10 साल की केंद्र की सरकार अगर हम दूसरे राज्यों में देखते हैं प्रदीप जी अभी हमने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया वहां एंटी इनकम्बेंसी की बात भी की यशवंत जी हमने की ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य इतना बड़ा प्रदेश यहाँ क्या अगर चारों रीजन की बात करें हर रीजन के अपने अपने मुद्दे हैं अपनी अपनी बात है लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीर निकल कर सामने इसमें एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं झलक रही है कहीं बीजेपी तो 64 पर थी इस बार भी वही लग रहा है 62-66 पर तो ये भी अपने आप में देखने वाली बात है नहीं हम ये पिछले 20-25 सालों से राजनीति में भारत की देख रहे हैं कि दोनों ट्रेंड चलते हैं प्रो इनकम्बेंसी भी एंटी इनकम्बेंसी भी कई राज्यों में प्रो इनकम्बेंसी दिखती है चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो लौट कर सरकारें आती हैं ये ट्रेंड पिछले दिनों में बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में ये प्रो इनकम्बेंसी दिख रहा है मैं संदीप जी से प्रो इनकम्बेंसी कहेंगे मैं इसकी एक और तस्वीर भी पेश करता हूँ पूरी हिंदी पट्टी में जो हमारा आकलन है ये एग्जिट पोल है एग्जैक्ट पोल तो नहीं वहाँ 90-95% स्ट्राइक रेट पर बीजेपी काम कर रही है पर 2019 की तरह जहाँ बाकी राज्यों में सुपड़ा साफ किया विपक्ष का यहां फिर से अटकती दिख रही है बीजेपी इसे प्रो इनकम गेंस तो नहीं हो रहे तो बीजेपी के अंदर खाने कुछ जो दिक्कतें दिख रही थी उसकी वानगी भी झलकती है क्या इन आंकड़ों में बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत उसके जो एमपीज थे वो थे उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी ये आंकड़ा मोदी फैक्टर की वजह से है या योगी फैक्टर की वजह से मोदी योगी दोनों फैक्टर उत्तर प्रदेश की तो डबल फैक्टर है ना तो यहाँ तो आंकड़ा ज्यादा होना चाहिए तो ऐसी अप्रत्याशित जीत मैं केवल अगर जो प्रदीप जी बोल रहे हैं मैं और सीधे शब्द बोलूं योगी मोदी डबल इंजन की पॉपुलैरिटी के बावजूद भी अगर 75 का फिगर नहीं आ रहा है तो आप उससे अंदाजा लगाइए
कितनी बड़ी तादाद में कितने नकारा एमपीज बीजेपी के इकट्ठा हो रखे हैं जिनको बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया। लेकिन दूसरा पहलू यशवंत जी ये भी तो है कि योगी और मोदी का जो डबल इंजन चला तभी स्थिति में पहुंचे। नहीं वो तो कह रहे बचे जो बची हैं वो स्थिति यही है, अगर इसमें वरना दिक्कत बढ़ेगी। बार इतना हाई सेट कर दिया है बीजेपी ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें कि 80% के स्ट्राइक रेट को भी हम खराब मान रहे हैं। नहीं हम बाकी जगहों से तुलना कर रहे हैं राजस्थान में। नहीं नहीं सबसे अभी आंकड़ों की ज्यादा करिए मत कीजिए। नहीं नहीं आंकड़े सामने है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात उसके मुकाबले आपका स्ट्राइक रेट कम है उत्तर प्रदेश में। सिंपल, उत्तर प्रदेश की राजनीति से उन प्रदेशों की राजनीति की तुलना नहीं कर सकते। आप पहले भी अतीत भी देख लीजिए कि गुजरात में कब से बीजेपी है, 95 से सत्ता में है और उत्तर प्रदेश में 14 से आई है, प्रदीप जी 72 सीटें बीजेपी ने जीती ना, 90% स्ट्राइक रेट था ना। बिल्कुल मैं वो सवाल पूछ रहा हूं और मैं वो ये बात कह रहा हूं कि 19 में इतना कठिन मुकाबला था, इससे बड़ा सोशल कॉम्बिनेशन बीजेपी के खिलाफ नहीं हो सकता था जितना 19 में था, उसके बावजूद 80% का स्ट्राइक रेट। विरोधी विरोधी नहीं, अलग अलग शेड में प्रो इनकम्बेंसी के इमोशन या सेंटिमेंट हैं, इसलिए चूंकि प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, यशवंत जी मेरी बात सुनिए, विरोधी एक बात, हम जो यहां पर बात कर रहे हैं मुझे ये बताइए कि बीजेपी को 75 सीटें जीतनी चाहिए थी, इतना स्ट्राइक रेट होना चाहिए था। लेकिन दूसरा पहलू यह भी कि जितनी जीती पिछली बार उतनी तो पा रहे, उसे एक आध ज्यादा मिलती हुई दिख रही है, तो हमें हम इस बात को इस डिबेट को इस तरफ क्यों ले जा रहे हैं कि क्या बीजेपी को इतनी सीट मिलनी चाहिए थी, कैसे कम माना जाए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। नहीं नहीं देखिए भाई, टारगेट तो बीजेपी ने तय किया था ना, 400 पार और दिल्ली 75 पार का, तो दोनों टारगेट तो बीजेपी ने तय किए, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर टारगेट बीजेपी ने तय नहीं किया होता तो हम इसको भी कहते होता। चलिए प्रेम जी के पास चलते हैं, प्रेम जी जवाब दीजिए। जी बहुत अच्छा प्रश्न, मुझे जरा एक मिनट का समय दीजिएगा। मैं 19 मई 2019 का एग्जिट पोल देख रहा हूं, एबीपी न्यूज ने तब कहा था बीजेपी 22 सीट जीतेगी और जो है सपा बसपा आरएलडी गठबंधन 56 सीट जीतेगा। हम जीते 64 और ये जीते 15, याद कर लीजिए। और सी ऑटर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 38 जीतेगी, सपा बसपा 40 जीतेगी। ये 19 मई 2019 का, कृपा करके आप उठा के देख लीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस बार 62 से 66 दे रहे हैं तो हम 80 की 80 जीतने की स्थिति में है। अब हमारा जो है मेरा उत्साह एबीपी न्यूज और जो है सी ऑटर, नहीं 80 के 80 जीतेंगे। नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। क्योंकि 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 मैं आपको 19 मई 2019 का आंकड़ा दिखा रहा हूं, आप वेरीफाई कर लीजिए। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, 22 सीट आप कह रहे थे और 56 सीट आप जितवा रहे थे सपा बसपा और आरएलडी को, सपा बसपा आरएलडी 15 सीट पे निपट गए और तब भी हमको आप जो है 44% से अधिक वोट नहीं दे रहे थे और हमको 51% एनडीए को जो वोट मिला वो 51% था। इस बार हमें पूरा विश्वास है कि हम 55% से अधिक हमको वोट मिलेगा शेयर और हम 80 में से संभवतः कोई 81 सीट टारगेट करेंगे हम अधिकांश। चलिए प्रेम जी बिल्कुल इसी दिलचस्प आंकड़े पर हम चर्चा करने के लिए बैठे। रागिनी नायक जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही, रागिनी आप जल्दी से अपनी बात जरूर पूरी करें। ओही जी देखिए प्रेम शुक्ला जी की बात को ही आगे ले जाती हूँ। जितनी सीटें एबीपी ने पिछले साल दिखाई इनको और कांग्रेस आरएलडी और सपा और सब गठबंधन को, उसका उल्टा हुआ, तो इस बार भी इन्हें जितनी दिखाई है उसका उल्टा ही होने वाला है। इंडिया गठबंधन को ही 50 से लेकर 60 के बीच में सीटें मिलने वाली है। आप अगले 5 साल के बाद भी ये वाला आंकड़ा दोहराइएगा। अच्छा राजकुमार सुनिए रोहित जी, एक लाइन और बोलिए। जीत का लड्डू और हार का ठीकरा, सुनिए ना, जीत का लड्डू और हार का ठीकरा दोनों संभाल कर रखिए क्योंकि उनका आदान प्रदान होने वाला है। अभी मध्य प्रदेश में भी आप यही सब कह रही थी और उसके बाद बहुत दिनों तक गायब रही थी। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगी, मैं चांदनी चौक का उदाहरण देना चाहती हूँ जहाँ की मैं वोटर हूँ। आप उत्तर प्रदेश में बसपा की क्या भूमिका रही, किसको ज्यादा मिले कम मिले, मुझे लगता है बसपा ने मुख्य रूप से भाजपा की मदद की। चांदनी चौक जो की दिल्ली में सारे पोलस्टर्स कह रहे हैं कि सबसे मजबूती से इंडिया गठबंधन ने जहां पर लड़ा, वहां पर अबुल कलाम आजाद नाम के एक मुस्लिम कैंडिडेट को बसपा ने उतारने का काम किया जिनका बैलेट नंबर 1 था। और ये करने के बाद वो किसकी मदद कर रही थी, और मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सारी चीजें बड़ी साफ गोई से। ठीक है रागिनी, कौन किसकी, रागिनी जी मैं आपको रोकूंगा, मैं राजकुमार भाटी साहब के पास चलूंगा। राजकुमार भाटी साहब
ये बताइए 15 से 17 भी हमने बीजेपी पर खूब चर्चा कर ली, और अब बात आती है समाजवादी पार्टी की, तो ये जो 15 से 17 का आंकड़ा है इसे वैसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये बहन जी से अलग होकर लड़ने का फायदा है आपको, या किस तरह से आप इसे देखते हैं, यानी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया उसका फायदा है? ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का शानदार नेतृत्व, अपने मुद्दे, अपने चुनाव के जो विचार वो हैं, उनके जो एजेंडा है उसके प्रति उनकी आस्था, जनता के पक्ष में हमेशा बोलना, पॉजिटिव बोलना, शालीनता से बोलना, इस सब का परिणाम है कि जो एसपी बीएसपी मिलकर जो रिजल्ट नहीं ला पाए थे वो अकेले अखिलेश यादव जी लाएंगे। लेकिन मैं एक एग्जिट पोल हमने भी कराया, ये एग्जिट पोल आप दिखा रहे हो ठीक है, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के अनुसार हमारी 50 सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और प्लस कांग्रेस एग्जिट पोल 50 से हो गया तो सबका पूछ लेते हैं। 4 तारीख तक का इंतजार, अखिलेश यादव तो कह रहे थे 79 जीतने वाले हैं, अब आपका एग्जिट पोल 50 पर आ गया, 79 से नीचे आ गए राजकुमार भाटी। मैं बता रहा हूँ उनका सैंपल है वो हर लोकसभा क्षेत्र में, नहीं मेरी बात तो सुन लेना, नहीं नहीं ये तो चलिए, ये तो थोड़ा सा देखिए ज्यादा अति गंभीर नहीं होना चाहिए, गंभीर जो बात होगी ना 4 तारीख को कर लेंगे, अभी आप जो आंकड़े हैं, अरे रुक तो जाइए रागिनी, अरे रागिनी एक सवाल बीच में वो रह गया था, वो हल्का सा जो पूछा रोहित ने यशवंत से, और यशवंत ने कहा कि 3 सीटें तक या 2 सीटें कांग्रेस जीतेगी उत्तर प्रदेश में, उसमें अमेठी नहीं है, वो अमेठी को छोड़ना, डरो मत भागो मत जो प्रधानमंत्री कह रहे थे सही कह रहे थे। बहुत अच्छा सवाल है, आज सुनिए, देखिए अमेठी तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और डरो मत का नारा मैं प्रदीप जी की बात से जोड़ के देखना चाहती हूँ, वो कह रहे थे कश्मीर में 370 का बड़ा इफेक्ट रहा, बड़ा इफेक्ट, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी को तो इफेक्ट दिखा नहीं, अगर इफेक्ट दिखा होता तो 3 में से 1 सीट पर तो लड़ती। जो दूसरे प्रदीप जी को सुना 370 की बात की, आप वापस जाकर देख लीजिए, तो 370 का अगर कोई फर्क दिख रहा होता कश्मीर में तो एक सीट। रागिनी जी माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, रागिनी जी माफी के साथ रोकूंगा, लेकिन आप ही की बात से इस पूरी चर्चा को खत्म हम लोग करेंगे। आपने एक बात बड़ी सही कही कि जीत का लड्डू और हार का ठिकरा संदीप ये दोनों संभाल कर रखने चाहिए 4 तारीख तक, ये हम जरूर कहेंगे इस एग्जिट पोल के आखिर में, और आगे पोल ऑफ पोल देखेंगे आप हमारे दूसरे सहयोगियों के साथ संदीप, और जो जीते वो लड्डू हम लोगों को जरूर खिलाना है, ठीक है ठीक है, जिसमें फोड़े फोड़े इतनी गालियां खाने के बाद में लड्डू तो हमारे बनते हैं, और वो लड्डुओं की बात हो रही है तो वो क्या किसी को बोलना पड़ेगा, बिहार में मनेर के लड्डू की बड़ी चर्चा हुई थी, प्रधानमंत्री ने भी कहा 4 तारीख को मनेर के लड्डू तैयार हो रहे हैं, उस पर तेजस्वी ने भी जवाब दिया था दानापुर के पास मनेर जगह बिल्कुल अच्छे स्वादिष्ट लड्डू हैं, अब वो थोड़ा रोहित करेंगे क्या इंतजाम जी, देखिए देखिए संदीप इंतजाम की बात छोड़े, मतलब इंतजार जरूर करेंगे हम, और राजनेताओं को भी इंतजार है, और ये इंतजार हमारा ये देखने के लिए रहेगा कि कौन जीत का लड्डू खाएगा और कौन हार का ठिकरा फोड़ेगा।